अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आज अटक सिटी जंक्शन पे एक नए सफ़र के साथ। इस्लामाबाद से अटक पहुंच गया हूं मैं सुबह सुबह, और घर से निकलने से पहले क्या हुआ आइए वो देखते हैं। आज छुट्टी का दिन है और मुझे एक सफ़र करना है और ट्रेन पकड़नी है, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि घर वालों को जगाऊँ छुट्टी के दिन। आज खुद ही नाश्ता बनाता हूँ। जी, जैसे तैसे करके पेड़े तो कर लिए मैंने पराठे के लिए, बल वाला पराठा बनाना है तो 2 पेड़े मैंने किए। देखते हैं अब किस क्या शक्ल निकलती है इनकी। दूसरे पेड़े को भी थोड़ा सा मैंने रोल कर लिया, इसको भी ऑयल डाल देते हैं। इसका मैंने बना लिया है रोल, और दोबारा फिर इसका अभी एक मैं पेड़ा बना लूँगा। लो जी, पेड़ा दोबारा बना लिया, अब इसको फिर मैं बेलता हूँ। ये थोड़ी सी शक्ल निकल आई है, आग मैंने जला दी थी, ये आग जल रही है। थोड़ा सा इन तवे पे डाल लेता हूँ, ज्यादा नहीं डालना भी थोड़ा। सही तरह हवा गर्म हो गया, सही नहीं जी। अब मैं कोशिश करूंगा इसको उठा के तो इसके ऊपर डाल दूं। जबरदस्त शक्ल निकल आई है भाई। और थोड़ा सा ऑयल डाला अंडे के लिए, इतना काफी है। अंडा भी फ्राई हो गया, थोड़ा सा मसाला डाल लेते हैं। ये शक्ल निकली है अब मसाला वगैरह डालने के बाद। चलिए जी, अब मैं नाश्ता करता हूँ, आप सफ़र की तैयारी करें। दोस्तों, आज का सफ़र होगा अटक सिटी जंक्शन से जंड जंक्शन तक ML2 पर, और इसके लिए जो ट्रेन जाती है, दिन में 2 ट्रेन ऑपरेट होती हैं जंड के लिए, जंड पैसेंजर और अटक पैसेंजर। तो आज का मेरा सफ़र है 204 डाउन जंड पैसेंजर पर। ट्रेन जो है वो प्लेटफार्म पर लग चुकी है। इसकी रवानगी का टाइम जो है वो है दिन 11 बजे, और जंड में अराइवल टाइम जो है ये 12:40 पर इंशाल्लाह जंड पहुंच जाएगी। और इस सफ़र की सबसे ख़ास बात 7 सिस्टर टनल्स, जो कि 5-6 किलोमीटर के एरिए में 7 टनल्स आती हैं, उसमें से ट्रेन का गुजर, और लश ग्रीन जो है एरिया वो देखने को मिलेगा। कतार में लगकर टिकट खरीद ली है अटक सिटी से जंड तक, 80 रुपये इकोनॉमी क्लास, पूरी ट्रेन ही इकोनॉमी क्लास पर मुश्तमिल है। अटक सिटी से चलने के बाद इसके जंड तक पहुंचने तक 8 स्टाफ हैं, कंजूर, सुलेमानाबाद, विसाल जंक्शन, दुमेल, नम्मल, चूर शरीफ और लंगर, और उसके बाद आखिरी स्टेशन जंड। जंड जो है वो भी जंक्शन है, तो कुछ ही देर रह गई है ट्रेन के चलने में। लीड कर रहा है GMCU154906 लोकोमोटिव। 66 किलोमीटर का ये सफ़र होगा। बहुत ही खूबसूरत इलाकों में से गाड़ी गुजरेगी, तो अब मज़ीद बातें मैं नहीं करूँगा। ट्रेन अब चलने वाली है, अब ट्रेन में बैठते हैं और ख़ूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। लेफ्ट साइड पे ML1 और हम हैं ML2 के।
ML2 जो है वो अटक सिटी जंक्शन से कोटरी जंक्शन तक है। मैं भी बेताबी से 7 सिस्टर टनल का वेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम 7 सिस्टर टनल में से गुजरेंगे। दोस्तों वीडियो भी देखिए, और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। पहली दफा इस एंगल से मैं वीडियो बना रहा हूँ ट्रेन में। अराइविंग कंजूर, पहला स्टेशन इस सफर का। एक मिनट से भी कम वक्त के लिए गाड़ी रुकी है यहाँ पर और आगे चल पड़ी है। तैयार हो जाइए टनल्स के लिए।
किलोमीटर है। सारी टनल जो है वो 1880 और 1896 के दरमियान बहुत खूबसूरत नजारा। सत्तर तरह ब्रिज था जी। काफी लंबी टनल थी भाई। टनल नंबर 5।
में से एक रह गई है। सफर हमारा जारी है जंग तक इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत दीदाज़ेब मंजर। पहुंच रहे हैं सेवन सिस्टर टनल्स क्रॉस कर लेंगे। सफर हमारा जारी है जान की जाने। झलार से रवानगी। मानसून का सीजन है, हर तरफ हरियाली। दोस्तों तकरीबन 40 मिनट का सफर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सुलेमानाबाद। हल्के हल्के बादल भी आ गए हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है। पहली दफा इस रूट पे मैं सफर कर रहा हूँ। मेरी विसल हो गई है, ट्रेन चलने लगी है। सुलेमानाबाद से रवानगी।
अभी हम पहुंचने वाले हैं मिसाल जंक्शन। मिसाल जंक्शन में एक और लाइन आके मिलती है जो गोलड़ा शरीफ से आती है। गोलड़ा जंक्शन से एक लाइन आती है जो मिसाल में आती है। दोस्तों मिसाल पहुंच रहे हैं, ये अभी आपको नजर आएगी, ये राइट साइड पे गोलड़ा जंक्शन से जो लाइन आ रही है ये ML2 पे आके मिल जाती है और ML2 जाती है कोटरी जंक्शन पर। ये आ गए साल जंक्शन। खूबसूरत विशाल जंक्शन रेलवे स्टेशन, काफी मुसाफिर यहाँ पर उतर रहे हैं। दोस्तों वीडियो भी देखिए और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। पहुंच के और दमेल से रवानगी, ऑन टाइम चल रही है ट्रेन। खूबसूरत स्टेशन, छोटा सा। अगला स्टेशन अभी आएगा नमल। टाइमली नमल पहुंच गए हैं। एक विसल हो गई है, दूसरी विसल पे गाड़ी चल पड़ेगी। Thank you.
लंगर पहुंच गए हैं। लंगर ये जगह का नाम है, खाने वाला लंगर नहीं। अब आएगा हमारा स्टेशन जंड जंक्शन। ले जी फ्रेंड्स, लंगर से रवानगी जंड जंक्शन की जानिब। इंशाल्लाह इसी ट्रेन से वापसी। वापसी पर इसका नंबर होगा 203 जंड पैसेंजर, 203 अप जंड पैसेंजर। एक बजे चलेगी और 2:40 पे अटक सिटी पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। और जान से अटक का सफर जो है वो एक और जो वीडियो है उसमें मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। मुकर्रा वक्त पर जंड जंक्शन पहुंच रही है 204 डाउन जंड पैसेंजर ट्रेन। नया प्लेटफॉर्म बना लगता है। बहुत ही साफ सुथरा खूबसूरत प्लेटफॉर्म। उम्मीद है दोस्तों आज का सफर आपको बेहद पसंद आया होगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो जो है जंड से अटक जंक्शन उस सफर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।